हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम अपना नया सेम टॉपिक शुरू करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो उसी के आगे आज हम लोग शुरू करेंगे। इसके पहले ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोगों ने जाना था, आज हम लोग जानेंगे ब्लड के बारे में। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है जो ह्यूमंस और एनिमल्स में पाया जाता है। और ये क्या काम करता है? ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस थिंग्स सच एज न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड टू वेरियस टिश्यू एंड सेल। यानी कि ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है बहुत सारी चीजों का हमारे सेल्स और टिश्यूज तक। तो चलिए इसके वॉल्यूम को जानते हैं कि कितना वॉल्यूम होता है हमारे ह्यूमन बॉडी में। इसका वॉल्यूम होता है अबाउट 7.8% किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी वेट का। 7.8% जो होता है वॉल्यूम, वो ब्लड का होता है। फीमेल्स में कितना पाया जाता है? ये 4 to 5 liters पाया जाता है। मेल्स में 5 to 6 liter। और इसका जो पीएच वैल्यू होता है ये 7.35 to 7.45, यानी कि इसका अगर एवरेज निकाला जाए तो ये 7.4 इसका पीएच वैल्यू होता है। तो आप जानते हैं अगर 7 होगा वैल्यू तो न्यूट्रल होगा, 7 के बिलो होगा तो एसिडिक होगा, 7 से अबव है तो ये बेसिक होगा। तो इसकी वैल्यू 7 से थोड़ा सा ज्यादा है, इसका मतलब ये स्लाइटली बेसिक होगा, यानी कि जो हमारा ब्लड होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है। अब इसके फंक्शंस क्या है? फंक्शंस मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। सबसे पहले ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से कहां तक? लंग्स से हमारे पूरे बॉडी के टिश्यूज और सेल्स तक। ठीक है, इसका मतलब है ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होता है। इट बाउंड्स टू हीमोग्लोबिन, बाउंड्स मतलब जुड़ जाता है हमारे हीमोग्लोबिन से, और क्या बनाता है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन। देखिए जैसे यहां पे है HB यानी कि हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे? ऑक्सीहीमोग्लोबिन HbO2। HbO2 मतलब होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब ब्लड हमारा क्या करता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम लंग्स टू ऑल दी सेल्स ऑफ आवर बॉडी। सेकेंड फंक्शन इसका देखते हैं। अब देखिए ये वेस्ट प्रोडक्ट का भी ट्रांसपोर्ट करता है। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाएंगे? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सभी क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। तो हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन होगा और क्या बनाएगा? HbCO2, इसको कहते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और CO2 कहां तक पहुंचता है? हमारे लंग्स तक पहुंचता है। थर्ड फंक्शन देखेंगे, ये बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई भी करता है, जैसे कि ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, इन सभी न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई भी करता है ये। फोर्थ पॉइंट क्या है? ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 degrees Celsius होता है, और फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करता है। इसके अलावा पांचवा फंक्शन इसका क्या है? कोगुलेशन। कोगुलेशन मतलब होता है खून का जमना या खून का थक्का बनना, यानी कि जब भी हमें चोट लगती है तो आपने देखा होगा कि हमारा खून जम जाता है। अगर खून जमता नहीं तो ब्लड हमेशा बहता रहता, तो खून का जमाना या खून का थक्का बनाने को कहते हैं कोगुलेशन। ठीक है, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स कह सकते हैं, क्लॉट करना। और ये कैसे होता है? प्लेटलेट्स की मदद से होता है, और प्लेटलेट्स आप जानते हैं कहाँ पाया जाता है? हमारे ब्लड में पाया जाता है। इसके अलावा क्या फंक्शंस होते हैं? ट्रांसपोर्ट ऑफ हॉर्मोन्स।
अब देखिए, हमारे बॉडी में बहुत सारे हॉर्मोन्स पाए जाते हैं और सभी के सभी ब्लड में पाए जाते हैं, और ये ब्लड क्या करता है, उन हॉर्मोन्स को वेरियस ऑर्गन्स तक सप्लाई करता है। अब थोड़ा सा ब्लड के बारे में जान लेते हैं। ब्लड का क्या कंपोनेंट है? ब्लड दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है सेलुलर कंपोनेंट और दूसरा होता है नॉन सेलुलर कंपोनेंट। नॉन सेलुलर कंपोनेंट को प्लाज्मा भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। यहाँ पे देखिए मैंने फ्लो चार्ट जैसा बनाया हुआ है, ठीक है। तो ब्लड के कितने कंपोनेंट्स होते हैं? सबसे पहला ये नॉन सेलुलर कंपोनेंट है, नॉन सेलुलर कंपोनेंट्स को प्लाज्मा भी कहा जाता है, और दूसरा है सेलुलर कंपोनेंट। तो हमारे ब्लड में जो नॉन सेलुलर कंपोनेंट होता है नियर अबाउट 55% पाया जाता है, और सेलुलर कंपोनेंट जो होता है वो 45% पाया जाता है। अब नॉन सेलुलर का मतलब है जिसमें सेल्स ना पाए जाते हो। तो इसमें प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, सेल्स के अलावा क्या क्या पाया जाता है? सेल्स तो प्लाज्मा में पाए नहीं जाते हैं, तो प्लाज्मा में पाया क्या क्या जाता है? नियर अबाउट 91% वाटर पाया जाता है, 7% प्रोटीन, 2% न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का मतलब वही ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, प्रोटीन्स, ये सब। इसके अलावा हॉर्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट, आयंस एंड मिनरल्स। आयंस मतलब कि Fe2+, Mg2+, Ca2+, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं, और मिनरल्स में सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सभी चीज़ें। तो प्लाज्मा में ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। फिर सेलुलर में देखते हैं हम लोग, सेलुलर में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सेलुलर में आप जानते हैं कि हमारे ब्लड में तीन तरह के सेल पाए जाते हैं। एक होता है RBC, WBC और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो RBC मतलब क्या होता है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। RBC को ही एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो RBC हमारे सेलुलर कंपोनेंट में कितना परसेंट होता है? 44% होता है। इसके अलावा हमारे ब्लड में WBC पाया जाता है। WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसल्स या वाइट ब्लड सेल्स। तो WBC हमारे बॉडी में बहुत टाइप्स के होते हैं, सच एज न्यूट्रोफिल, बेसोफाइल्स, ईसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। तो ये जो पांचों आप टाइप्स देख रहे हैं, ये WBC के टाइप्स हैं, और इन सब के अलग अलग फंक्शंस भी होते हैं। फिर लास्ट में आता है प्लेटलेट्स, ठीक है। तो अब इन तीनों के अलग अलग काम है, जैसे कि RBC का काम अलग होता है, WBC का अलग होता है, प्लेटलेट्स का अलग होता है। RBC का काम होता है क्या, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। WBC क्या करता है, ये हमारे चोट को, सॉरी, ये हमारे ब्लड में सोल्जर्स की तरह काम करता है। सोल्जर्स की तरह मतलब जब भी हमारे ब्लड में कोई फॉरेन सब्सटेंस एंटर करता है तो WBC उसको ट्रैक करता है और उसको किल कर देता है, यानी कि कोई हार्मफुल बैक्टीरिया अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाए तो WBC क्या करेगा, उसको नष्ट कर देगा विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज। तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है, हमारी चोट को, घाव को भरने में मदद करता है। तो ये तीनों क्या है, सेलुलर कंपोनेंट, और इनके बारे में भी हमें पढ़ना है। अगले वीडियो में हम इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये चीज़ें आप नोट कर सकते हैं, इसको इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा, इसका आप आसानी से देख करके नोट्स बना सकते हैं, और साथ ही साथ आप इसको रिवाइज भी करते चाहिए, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। चलिए, तब तक के लिए टेक केयर।